हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डिजीबाइट के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। इसका जो हार्ड फोर्क होने वाला है वो 21 को, जैसे कि आपको मालूम है, होने वाला है। तो आज अभी इसके 20 आवर्स ऑलमोस्ट बचे हैं, 20 घंटे बचे हैं अभी जब से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इसके हार्ड फोर्क होने में। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इसमें ऐसा जो डिजीबाइट होल्डर हैं, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, उन्हें कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है। ये पहले से बताया जा चुका है कम्युनिटी की तरफ से कि ये सिर्फ एक नॉर्मल एल्गोरिदम स्वॉप है। मतलब यहाँ पे कोई टोकन स्वॉप नहीं होना है या कोई वैसा स्टेप नहीं लेना है कि जहां पे आपको कुछ अपने टोकन के साथ करना पड़े। तो आपके जो टोकन है आपको ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टेक्निकल ये हार्ड फोर्क है। तो यहाँ पे कोई नया टोकन नहीं मिल रहा है या अपने पुराने टोकन के साथ आपको कुछ नहीं करना है। तो ये अभी डिजीबाइट का ऑलमोस्ट 5th हार्ड फोर्क है। इससे पहले 4 हार्ड फोर्क इनके हो चुके हैं। और इसी तरीके से इस टाइप के जो हार्ड फोर्क्स होते हैं ये इम्प्रूवमेंट के लिए लाए जाते हैं कि ताकि जो एग्जिस्टिंग जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। मैंने डिजीबाइट के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो पहले से किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो तब के डिजीबाइट में और आपके डिजीबाइट में काफी अंतर आपको देखने का ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ कमियां उसमें जो डिटेल में बताई थी वो अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर की जा रही है और काफी कुछ अब अच्छा किया जा रहा है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है फिर भी, तो आप बहुत सारे फोरम्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज वहां पे मिल जाए देखने को कि जहां पर जो आपके दिमाग में था वो चीज एग्जैक्टली आपको मिल जाए। या आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन। तो हम बिल्कुल आपके लिए जरूर आंसर करेंगे जो भी आपका इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। और अगर बात करें हम इसके प्रॉफिट पोटेंशियल की, तो अभी जब ये डिजीबाइट का जो हार्डफोक होने वाला था, तो मतलब आज ऑलरेडी हो रहा है, तो पहले से ही ये इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल माना जा रहा था, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं। तो बहुत सारी जगह ये चीजें मिल जाएंगी कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है डिजीबाइट का, जब हार्डफोक होगा तो ऊपर जाएगा। बहुत सारे वीडियोज भी मिलेंगे आपको इसको। तो वो जो प्रोजेक्शन थे वो बिल्कुल एक तरीके से हम सिर्फ प्रोजेक्शन थे, बिकॉज अभी क्योंकि जो मार्केट डाउन है तो अभी हम कह नहीं सकते कि इतना ही पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल है इसमें या नहीं, या इसका जो प्राइसेस हैं वो अब जाएंगे भी या नहीं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मार्केट अभी फिलहाल जो है पूरी तरीके से डाउन है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट ग्रीन होता तब हम कह सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि सब जानते हैं कि जो मार्केट अभी डाउन है, तो अभी हार्ड फोर्क से पहले जो ऑलरेडी हम देखते हैं कि कुछ जो कॉइन्स होते हैं उनके जो जो प्राइसेस हैं उसमें हमें एक इंक्रीमेंट दिखना चालू हो जाता है कि काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह उस तरफ को जाने लगती है। लेकिन अभी डिजीबाइट अगर हम करंट मार्केट के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल डाउन है कल के कंपेरिजन में। तो वो रीजन वही है कि पूरा का पूरा जो मार्केट है वो डाउन है। तो देखते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इसके ऊपर ट्रैक रखिए, अगर आप एक होल्डर हैं या होल्डर नहीं भी हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो इस कॉइन के ऊपर आप ट्रैक रखिए और फिर देखिए कि क्या एग्जैक्टली इसके प्राइसेस में डिफरेंसेस आता है हार्ड फोर्क को लेकर, और हार्ड फोर्क के बाद क्या इसका जो एक रिएक्शन होता है, क्या इसके प्राइसेस में वो क्या होने वाला है। और अगर आप इसे प्रॉफिट बना सकते हैं तो यू नो बेटर कि आपको किस तरीके से वो प्रॉफिट बनाना है। तो हमें ये अपडेट आप तक पहुंचाना था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये हमारी जो वीडियो है, ये जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी आपको यूजफुल लगी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।